हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, बादल एजुकेशनल गुरु। इस वीडियो में हम बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जैसे कोई भी नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले आपको पता चले। इसके साथ वीडियो में एंड तक बने रहिए, वीडियो को पूरा देखें। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, विच वायरस केज चिकन पॉक्स? इसका राइट आंसर बताना है दोस्तों, चिकन पॉक्स का कारण कौन सा वायरस है? इसका राइट आंसर कमेंट करना है। चिकन पॉक्स कौन से वायरस के द्वारा होता है? राइट आंसर बताना है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, बेरिसेला जोस्टर वायरस। बी राइट आंसर हो जाएगा, बेरिसेला जोस्टर वायरस होता है, उसके कारण चिकन पॉक्स होता है। चिकन पॉक्स जिसको छोटी माता बोलते हैं, छोटी माता के रूप से जानते हैं उसको, छोटी माता बोलते हैं। चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स होते हैं, स्मॉल पॉक्स को बड़ी माता बोलते हैं। मैं डायग्राम के थ्रू बता देता हूँ आपको। देखो ये चिकन पॉक्स है, चिकन पॉक्स देखो, बेरिसेला जोस्टर वायरस होता है ये, इसके कारण ये चिकन पॉक्स होती है। बॉडी में छत्ते छत्ते से पड़ जाते हैं, इसको छोटी माता भी बोलते हैं। देखो ये डायग्राम से बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आपके में, ये छत्ते छत्ते से पड़ रहे हैं शरीर पर, ये चिकन पॉक्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा बेरिसेला जोस्टर वायरस। बेरिसेला जोस्टर वायरस होता है, उसके कारण चिकन पॉक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन ए? इसका राइट आंसर कमेंट करना है दोस्तों। विटामिन निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत है? इसका राइट आंसर कमेंट करना है। ऑप्शन है कैबेज, कैरेट, पोटैटो, स्ट्रॉबेरी। इसका राइट ऑप्शन बताना है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कैबेज, गोभी राइट आंसर हो जाएगा। डायग्राम के थ्रू देखते हैं, देखो ये डायग्राम देखो, यहाँ पर वैसे तो सभी हैं विटामिन ए के, बट जो बेस्ट सोर्सेज है, गुड सोर्सेज है, वो कैबेज। देखो कैबेज, कैबेज गुड सोर्सेज है विटामिन ए का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, मायोलॉजी का अध्ययन है। इसका राइट आंसर कमेंट करना है दोस्तों। मायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इसका राइट आंसर कमेंट करना है। तो मायोलॉजी के अंदर इसका राइट आंसर हो जाएगा मसल्स का अध्ययन किया जाता है, मांसपेशियों का। इसका राइट आंसर हो जाएगा, डायग्राम दिखाते हैं देखो आपको। ये देखो स्केलेटल मसल्स, मायोलॉजी, ये मायोलॉजी होता है, इसमें जो बॉडी की सारी मसल्स का अध्ययन किया जाता है, स्टडी ऑफ मसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रेव डिजीज इज केज ड्यू टू, ग्रेव रोग किसके कारण होता है? इसका राइट ऑप्शन कमेंट करना है दोस्तों। ग्रेव्स डिजीज इज केज्ड ड्यू टू, इसका राइट ऑप्शन कमेंट करना है दोस्तों। ग्रेव रोग होता है वो किसके कारण होता है? इसका राइट ऑप्शन कमेंट करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, हाइपर एक्टिविटी ऑफ थायराइड। राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, थायराइड की अति सक्रियता, यानी लार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। देखो डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ मैं आपको। ग्रेव्स रोग देखो दोस्तों, ये थायराइड ग्लैंड होती है, ये हमारी ये थायराइड ग्लैंड होती है, ये देखो ये थायराइड ग्लैंड, ये ग्वेटर डिजीज होती है, ये ग्वेटर डिजीज, यहाँ थायराइड इलार्जमेंट हो जाती है तो ग्वेटर डिजीज होती है। और यहाँ देख रहा हूँ ये थायराइड ग्लैंड है, ये इसमें इलार्जमेंट हो रहा है, ये इलार्जमेंट हो रहा है, तो ये ग्रेव्स डिजीज का कारण है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए, याद रखना इलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विटामिन ए विच इज जनरली एक्सक्रीटेड बाई ह्यूमन इन यूरिन इज, मनुष्य द्वारा सामान्यतः मूत्र में उत्सर्जित होने वाला विटामिन कौन सा है? इसका राइट ऑप्शन कमेंट करना है दोस्तों। मूत्र में उत्सर्जित होने वाला विटामिन कौन सा है सामान्यतः? इसका राइट ऑप्शन कमेंट करना है दोस्तों। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों विटामिन सी, इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, ये देखो
ये सारे विटामिन सी के एग्जांपल्स हैं। ऑरेंज हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, पपाया हो गया, गवावा हो गया, तो ये सारे ही एग्जांपल हैं विटामिन सी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच डिवाइस इज यूज टू मेजर शुगर लेवल इन ब्लड। इसका राइट ऑप्शन कमेंट करना है दोस्तों। रक्त में शर्करा के स्तर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, इसका राइट ऑप्शन कमेंट करना है दोस्तों। जो रक्त होता है उसमें शुगर लेवल को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, इसका राइट ऑप्शन कमेंट करना है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए, ग्लूकोमीटर। ए राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ग्लूकोमीटर होता है, उससे क्या है शुगर का लेवल ब्लड में शुगर का लेवल नापते हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, ऐसा होता है ग्लूकोमीटर का एग्जांपल, वो डायग्राम देखो ये, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दी एन एक्सक्रेटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, इसका राइट ऑप्शन कमेंट करना है दोस्तों। इनमें से कौन मानव शरीर का उत्सर्जी अंग है, इसका राइट ऑप्शन बताना है दोस्तों। कौन सा मानव का उत्सर्जी अंग है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, लिवर। लिवर उत्सर्जी अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच बोन इज नॉन एज ब्यूटी बोन, इसका राइट ऑप्शन कमेंट करना है दोस्तों। किस हड्डी को सौंदर्य हड्डी के रूप से जाना जाता है, इसका राइट ऑप्शन बताना है। विच बोन इज नॉन एज ब्यूटी बोन, इसका राइट ऑप्शन कमेंट करना है दोस्तों। ऐसी कौन सी हड्डी है जिसको सौंदर्य हड्डी बोलते हैं, सौंदर्य हड्डी के रूप में जानते हैं, राइट ऑप्शन बताना है दोस्तों। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों क्लेविकल, असली बोलते हैं जैसे। डी राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, जो हमारे शोल्डर में होती है पीछे की तरफ। डायग्राम से देख लेते हैं, ये देखो ये बोन होती है क्लेविकल, इसको ब्यूटी बोन भी बोलते हैं, क्लेविकल बोन को ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी। तो याद रखना, ब्यूटी बोन किसे बोलते हैं, क्लेविकल बोन को, पीछे शोल्डर में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द ब्लड वेसल्स विच कैरीज ब्लड बैक टू द हार्ट, इसका राइट ऑप्शन कमेंट करना है दोस्तों। उस रक्त वाहिका का नाम बताइए जो रक्त को मापने हृदय तक ले जाती है, इसका राइट ऑप्शन कमेंट करना है। उस रक्त वाहिका का नाम बताइए जो रक्त को वापस हृदय तक ले जाती है, ऐसी कौन सी रक्त वाहिका है जो रक्त को वापस हृदय तक ले जाती है, इसका राइट ऑप्शन कमेंट करना है। अगर आपने सर्कुलेशन वाले सिस्टम में पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, आप राइट आंसर दे देंगे, नहीं हम तो बताएंगे। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ द विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, इसका राइट ऑप्शन कमेंट करना है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है, इसने पूछा है दोस्तों विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य कौन सा नहीं है इनमें से, तो इसका राइट ऑप्शन बताना है आपको। तो थायमिन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का है, मेंबर है, राइबोफ्लेविन भी है, फोलिक एसिड भी है, एस्कॉर्बिक एसिड, तो ए गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि जो ये नहीं है, क्योंकि ये एस्कॉर्बिक एसिड होता है वो विटामिन सी होता है, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं, देखो यहाँ पर दे रखा है राइबोफ्लेविन B12 का नाम, B2 का नाम है सॉरी, फोलिक एसिड विटामिन B9 का है, थायमिन विटामिन B1 का नाम है, तो यहाँ पर बी कॉम्प्लेक्स ये दे रखे हैं, एस्कॉर्बिक एसिड इनमें नहीं है, तो एस्कॉर्बिक एसिड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एस्कॉर्बिक एसिड होता है वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल नहीं है, मेंबर नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, विटामिन बी सी को बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डेफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ एसटीएच इन ईयरली लाइफ लीड टू, इसका राइट ऑप्शन कमेंट करना है दोस्तों। प्रारंभिक जीवन में एसटीएच की कमी से
उत्पादन होता है? इसका राइट ऑप्शन कमेंट करना है दोस्तों। एसटीएच हार्मोन की कमी से क्या उत्पन्न होता है, इसका उत्पादन होता है? इसका राइट ऑप्शन कमेंट करना है। राइट ऑप्शन बताना है दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी राइट ऑप्शन हो जाएगा, जिसको डार्क फेज में बोलते हैं, बोनापन। जो एसटीएच होता है, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन होता है, उसकी कमी से क्या होता है दोस्तों? डार्क फेज यानी बोनापन। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ब्लड वेसल्स हैव द स्मॉलेस्ट डायमीटर? इसका राइट ऑप्शन कमेंट करना है दोस्तों। किस रक्त वाहिका का व्यास सबसे छोटा होता है? इसका राइट ऑप्शन बताना है दोस्तों। विच ब्लड वेसल्स हैव द स्मॉलेस्ट डायमीटर? किस रक्त वाहिका का सबसे छोटा व्यास सबसे छोटा होता है? इसका राइट ऑप्शन बताना है दोस्तों। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों कैपिलरी। जो कैपिलरीज होती हैं उनका डायमीटर सबसे छोटा होता है ब्लड वेसल्स में। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए। डायग्राम देख लेते हैं ब्लड वेसल्स का। ये देखो दोस्तों, ये कैपिलरीज हो गई, ये इनका डायमीटर सबसे छोटा होता है। देखो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए राइट आंसर हो जाएगा। वेन का बड़ा है डायमीटर, यहाँ पर देखो आर्टरी का भी बड़ा है, आर्टियोल्स का भी बड़ा है, टिश्यू सेल्स का भी बड़ा है, तो यहाँ पर कैपिलरीज का देखो ये छोटा सबसे छोटा डायग्राम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंजाई आर प्लांट दैट लैक। इसका राइट ऑप्शन कमेंट करना है दोस्तों। कवक में पौधे हैं जिसमें कमी होती है, इसका राइट ऑप्शन कमेंट करना है दोस्तों। कवक भी पौधे हैं जिसमें कमी होती है, कवक में किसकी कमी होती है दोस्तों? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की कमी होती है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट करें। आगे बात करते हैं अगली वीडियो में।